ਤੁਹਾਡੇ ਪਸਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਡਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। शहनशाह शहनशाहों के साथ किया करते हैं। उनके किसी हिंदू देवता का चमत्कार था। ईसा अलैहि सलाम की आमद से तकरीबन 700 साल पहले ये पहाड़ी सांगला हिल मौजूद थी। ओह माय गॉड, फाइनली आई एम एट द टॉप ऑफ द रॉक। अंग्रेज़ के दौर में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया। खलियाँ पड़ चुकी हैं और मसल्स फूल चुके हैं, पसीना आ रहा है, शदीद भूख लग रही है। पिंडी पट्टिया तो सांगला हिल नूं जांदिया पंजाब दी रहतल बैतल साफ दिसदी है। पंजाब पुराने वेले तो थल राही हिंदुस्तान नूं लम्मे लैंदे रस्तियों होर मुल्कां नाल जोड़न वाला इलाका रहा है। इस करके पंजाब नूं हिंदुस्तान दा वड़ यानी दाखरी राह भी आख्या जांदा है। पुराने जमानियां विच जिन्ने भी हमलावर भारत वल आए वह पंजाब विच्चों ही लड़ के लंघे। इस करके पंजाब विच वन सवनिया जात बिरादरियां ते सकाफत दे अनेक नमूने मिलते हैं। पंजाब दी जरखेज़ अते मैदानी धरती हिमालिया पर्बत तो वहंदे दरियावां दी कुदरती नेमत है। पंजाब दी जबान बाबा फरीद, वारस शाह, बुले शाह, सुल्तान बाहू ते शाह हुसैन वर्गे अनगिनत सच्चे प्रचारकां सूफियां दरवेशां दे हत्थ विच पली वधी ते पंज पाणियां विच तुली होई बोली है। सांगला हिल की तरफ जाते हुए अंग्रेज़ की बिछाई हुई ये पटरी और रेलवे ट्रैक, और ये बाएं जानिब देखें पूरा दूर तक रेलवे ट्रैक, उसी दौर का ये दरवाज़ा और फिर एक रोड, बड़ा खूबसूरत मंजर। पंजाबी विरसे दियां कई शक्लां ने जेड़ियां वेले दे टोरे नाल वद्दियां वद्दियां लहरां वांगू अगे तो अगे टुरदियां रहियां ने। साडे पंजाब दी रहतल बैतल 4 लख वरे पुरानी है। दुनिया चंद ते चली गई, पक्के घर बन गए, मशीनां खलियाना विच वड़ गईयां, गड्डियां मोबाइल आ गए, पर पंजाब दे वासी अज भी पंज पानियां वांगू साफ ते कनक वांगू सोहणे वर्गे दिल रखदे ने। पुराने वेले बादशाह फिलकोस दा पुत्तर सिकंदर यूनानी ईरान दे बादशाह नूं चित करके राजा पोरस तो कुट खा के जितण दे बावजूद जान छड़ा के सांगला अपड़िया ते इत्थे आबाद सांगला कबीलियां ने सिकंदर आजम नूं कुट कुट फावा कर दिता। सांगला कौम जित ते ना सकी, पर सिकंदर दी फौज दे गरूर दा लक टुट गया। विचारा इत्थों ही वापस टुर गया। अज चलने आ सांगला हिल ते वेखने आ कि उत्थे नवा पुराना की बचिया है। सैर करांगे पहाड़ी दी ते दसांगे सांगला हिल दा इतिहास। तफरीही मकाम सांगला पहाड़ी की तरफ जाने वाले दाखिली रास्ते पर एक नहायत खूबसूरत हसीनो जमील मस्जिद है, जो कि मस्जिद नबवी का मॉडल है। उसके साथ ही दाखिले का गेट है। गेट से दाखिल होते ही जब नज़र सांगला पहाड़ी पर जाती है तो देखने वाला महवे हैरत रह जाता है। सुर्ख पत्थर की ये पहाड़ी कभी 270 फुट से भी ज़्यादा ऊंची थी, जो अब सिर्फ 60 या 65 फुट की रह गई है। यहाँ के कबाइल ने सिकंदर यूनानी के साथ बहुत बुरी की थी। वो इस बेजिगरी से लड़े कि सिकंदर की फ़ौजों के पैर उखड़ गए थे। तकरीबन 1200 के करीब फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे सिकंदर आज़म के, और 800 के करीब मारे गए थे। गो के यहाँ के कबाइल वो जंग तो हार गए थे, लेकिन सिकंदर आज़म की आर्मी जो है वो हिम्मत हार गई थी। और फिर जब यहाँ से मुल्तान सिकंदर गया तो वहाँ भी उसको बड़ी मजम्मत का सामना करना पड़ा। तो फिर सिकंदर आजम ने सोचिया कि यार वापस पिंड नूं चलिए, क्योंकि इत्थे बड़े डाडे लोग ने। सांगला हिल से मलेका पार्क में बच्चों के लिए खेलने की जगहें भी हैं, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इंजन का मॉडल रखा गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये असल इंजन है, जो बहुत पहले जब अंग्रेज़ दौर में ट्रेन की पटरी यहाँ बिछाई गई थी, यहाँ जंक्शन है बहुत बड़ा, तो तब ये चला करता था। और कई लोगों का कहना कि ये सिर्फ मॉडल है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये असल इंजन है। सांगला हिल में जो पहाड़ी मौजूद है, इसका जो रेडियस था वो चक 46 तक था, चट्ठा चक उसको कहते हैं। और ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबी पहाड़ी हुआ करती थी। अंग्रेज़ के दौर में ये स्टेशन बना,
और यहाँ से एक ट्रेन की पटरी बिछाई गई जो यहाँ पर पत्थर तोड़ती थी इसका, और वो पत्थर जो है फिर रेलवे लाइन की तामीर के लिए इस्तेमाल होता था। आए मैं इसको स्टेशन को आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंग्रेज़ के दौर में ये रेलवे स्टेशन बनाया गया और यहाँ से एक ट्रैक जाया करता था सांगला हिल की बैक साइड पर, वो जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई है, और फिर वहाँ से वो पत्थर तोड़ कर रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था पूरे हिंदुस्तान में। और ये देखिए ये रेलवे ट्रैक उसी दौर का, अंग्रेज़ के दौर का, और वो पहाड़ी आहिस्ता आहिस्ता टूटते टूटते सिर्फ उतनी रह गई है जितनी मैंने आपको दिखाई है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं सांगला हिल, और इस पहाड़ी का जो पत्थर है वो जब फैसलाबाद का क्लॉक टावर बना था उसमें भी यूज़ हुआ था, और कुछ तारीखदान बताते हैं कि इसी का पत्थर था जो बाशे मस्जिद में इस्तेमाल हुआ था, यहीं का सुर्ख पत्थर था। और बाशे मस्जिद में खैर हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से भी पत्थर मंगवाया गया था, लेकिन सांगला हिल का भी पत्थर वहाँ मौजूद था। बहुत ऊंची पहाड़ी है और सैकड़ों सीढ़ियाँ, आए ऊपर चलते हैं, चढ़ते हैं और एक मुहिम जोई करते हैं। आइए, पहाड़ पर चढ़ना भी एक बड़े मज़े का काम है, बंदे के गिट्टे गोडे चेक हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये सीढ़ियाँ 300 से ज़्यादा हैं, मैं इनको गिनने की कोशिश करूँगा अगर हवास कायम रहे। आज शिद्दत से एहसास हो रहा है कि जवानी जवानी होती है, मेरा सांस फूल चुका है। और एक शेर याद आ रहा है कि इन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। 100 के करीब सीढ़ियां चढ़ने के बाद मेरा सांस फूल चुका है, और एक स्टेप जो है वो फासले पर है तो कम से कम उस पर 2 या 3 कदम चलना पड़ता है, फिर दूसरा स्टेप आता है। अल्लाह खैर करेगा, चढ़ जावांगे। 54 साल की उम्र में व्लॉगिंग करना, ओह माय गॉड, मेरे गोडे रह गए ने पौड़ियाँ चढ़ चढ़ के। आओ चलने उत्ते, देखो किनिया बड़िया पौड़ियाँ बाकी ने। ओह माय गॉड अभी वहां जाना है। इस पहाड़ी की चोटी पर जाने से पहले अभी एक तख्ता और बाकी है, जो सेकंड लास्ट तख्ता है, उसके बाद इसके टॉप पर आप जा सकते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, सांस फूला हुआ है, और इसके टॉप से जब आप नीचे देखते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ाए हैं या इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से तकरीबन 700 साल पहले ये पहाड़ी सांगला हिल मौजूद थी, और बिफ़ोर इस्लाम यहाँ पर जो कबाइल रहते थे उनके बारे में कहा ही जाता है, उसमें जैन मत थे, बुद्ध मत थे और हिंदू मत लोग थे। और एक मिथ के मुताबिक ये पहाड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सुर्ख पत्थर की ये पहाड़ी जिसके चारों तरफ खेत हैं, मैदानी इलाके, और एक अलग से एक पहाड़ी है, क्या कहा यह जाता है कि ये उनके किसी हिंदू देवता का चमत्कार था। और वो जो झील नीचे देख रहे हैं आप, ये एक हिंदू देवता से जुदाई हो गई थी उनकी बेगम साहिबा की, और उस दासी या उनकी उस बीवी की ने रो रो कर ये झील बन गई उसके रोने से। ये एक मिथ है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका कोई वाज़ह सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि आज से 2700 साल पहले बिफोर इस्लाम सांगला हिल थी, यहाँ कबाइल थे जो आबाद थे, और ये सुर्ख पत्थर की ये पहाड़ी यहाँ पर मौजूद थी। और देखें इसका ये सेकंड लास्ट जो तख्ता है, इसके ऊपर आखिरी तख्ता मौजूद है। आए मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी कुछ सीढ़ियाँ भी तकरीबन 200-250 सीढ़ियाँ हम चढ़ाए हैं, अब देखते हैं और कितनी चढ़नी पड़ेंगी। ओह माय गॉड, फाइनली आई एम एट द टॉप ऑफ द रॉक। मैं सांगला हिल के ऊपर वाले तख्ते पे आ चुका हूँ, और जाने कितने 100 सीढ़ियाँ चढ़ी मैंने। और सांगला हिल के पीछे आप आबादी देख रहे हैं, और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, बड़े खूबसूरत खेत खलिहान है, और ये सांगला हिल।
और इस तरफ आप देखें पहाड़ी बड़ी वाजे नज़र आ रही है और लोग नीचे उतरते भी आप देख सकते हैं और चढ़ते भी देख सकते हैं। और एक बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है, यहाँ पर आप बच्चों को ला सकते हैं। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर जो पेशा खेतीबाड़ी भी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे भी हैं। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा सांगला का। ऊपर से सांगला शहर का खूबसूरत नज़ारा आँखों को बहुत भला लगता है। दूर बहुत दूर तक फैला हुआ शहर साफ दिखाई देता है। मैं पाकिस्तान में टूरिज़्म को प्रमोट करता रहूँगा और आपको पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। सांगला हिल की चोटी पर मद्दाहों ने जिस मोहब्बत, प्यार और हुस्ने इखलाक का मुजाहरा किया, मैं उनका उम्र भर मशकूर रहूँगा। सांगला हिल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों जैसे तैसे मैं सांगला हिल से नीचे उतर आया। सांगला हिल भी आपने देखी, इसका खूबसूरत मंज़र भी देखे और इसका पत्थर भी देखा सुर्ख रंग का। और मैं अब आपको दिखाता हूँ सांगला हिल से मलहिका ये झील। ये झील अब तो आज के दौर में इसको मरम्मत कर दिया गया और इसको सीमेंट और कंक्रीट से बना दिया गया, लेकिन इसके बारे में कहा ये जाता है कि बिफ़ोर इस्लाम जो हिंदू कबाइल यहाँ पर आबाद थे उनकी ये इबादत गाह थी। यहाँ वो स्नान किया करते थे, ये उनका पवित्र पानी था। और ये जो पीछे पहाड़ी है सांगला हिल की, इसके बारे में कहा जाता है कि ये उनका कोई पवित्र स्थान हुआ करता था। ये सारी बातें मैं फिर आपको बताऊंगा। ये वो हैं जिसके लिए कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन ये यहाँ पर ये सांगला हिल मौजूद है और चारों तरफ मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके में एक इतनी बड़ी पहाड़ी नमूदार हो जाना ये अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा मज़हर है और इसके अलावा कुछ नहीं। सांगला हिल के इलाके से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे खलियाँ पड़ चुकी हैं और मसल्स फूल चुके हैं, पसीना आ रहा है, शदीद भूख लग रही है और मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सांगला हिल के लोग जिए, पंजाब जिए, पूरा पाकिस्तान जिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।